गेम खेलूंगी। घर पे तो मम्मी पापा मुझे मोबाइल छूने ही नहीं देते थे। मुझे भी दोगी? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं खेलने देते। नहीं, मैं नहीं दूंगी। आपने मुझे हमेशा गाइड किया है, रास्ता दिखाया है, बचाया है, मेरी गलतियों को माफ किया है। आगे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अरे रे 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 रे। ओ हो। बेटा आपको चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे मोबाइल में गेम खेलना है। गेम कहाँ? ओ ठीक है, ये लो जाओ खेलो। मुझे इसको चालू नहीं करना आता है, प्लीज चालू करके दो। ठीक है, ये देखो ऐसे ऑन करते हैं। लो ऑन हो गया। एक मिनट। लड़के को तो मैंने देवी के यहां देखा था। देवी? देवी नहीं, इति। चलिए, हम अपनी बहन इति को आपको हमेशा के लिए देने को तैयार हैं, अगर आप हमारे साथ 50-50 की पार्टनरशिप करें। समझो कि हम मजबूर हैं। याद रखो कि तुम इस वक्त हमारे आश्रम में खड़े हो, और अगर हम चाहें ना तो अभी के अभी तुम्हें और तुम्हारी अम्मा को चावल की बोरियों में दफना सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। देवगुरु की आंखों में धूल झोंक कर आप और अबीर अपना बिजनेस चलाते हैं ना। चढ़ावे में जितना भी पैसा आता है उसमें से 10% आश्रम के लिए देवगुरु ने डिसाइड किया है, और बाकी का डोनेशन के लिए। लेकिन आप लोग तो इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। अगर हम आपकी ये चालबाजी देवगुरु को बता दें तो तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे बेटा, क्योंकि हम देवगुरु को इतने सालों से बेवकूफ बनाते आए हैं और आगे भी ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो अब पहली और आखिरी बार बोल रही हूँ, 20-80 डन। 20-80 सही है। भाविनी, भाविनी कहाँ है? भाविनी! देवगुरु, वो देवी के कमरे में थी, अभी भी वहीं होंगी। भावनी!
भागने! भागने! हाय दी, मैं ही हूँ। तुम कैसी हो मेरी गुड़िया? स्वर्ग से तुमसे मिलने आई हूं, तुम्हें ये बताने के लिए आई हूं कि तुम देवी हो। देवगुरु की बातों पर भरोसा करना ही थे, ईश्वर के गुणों से भरे इंसान है वो। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ के नहीं गए, वो तुम्हें देवगुरु के पास इसीलिए रखकर गए हैं ताकि तुम देवी बनो। इति बेटा, तुम्हारा जन्म खेलने कूदने और इस संसार के लोगों की तरह जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म लोगों की भलाई करने के लिए हुआ है। इतनी मेरी गुड़िया, जब तुम देवी बनके इस संसार के दुखों को खत्म करोगी तब मुझे और तुम्हारे पापा को कितनी खुशी होगी मैं तुम्हें बता नहीं सकती थी। तुम बहुत स्पेशल हो। तुम्हारे सर पर ना सभी पवित्र शक्तियों का आशीर्वाद है। इसलिए खास मुझे स्वर्ग से भेजा गया है तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम देवी हो। हमारी मम्मी भी हमें यही बता रही थी कि हम देवी हैं। आपकी मम्मी आपको बता रही थी? हाँ शिव, हमें आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था ना, तो मम्मी स्वर्ग से हमारे पास आई थी हमें यकीन दिलाने के लिए कि हम देवी हैं। इति, अपनी माँ की बातों पर यकीन करोगी ना? याद रखना है तुम देवी हो। नया काल चक्र शुरू होने जा रहा था, आप मेरे सामने थी, लेकिन मेरी मेहनत, मेरी कोशिश, मेरी तपस्या को एक पल में ही शून्य कर दिया उन मूर्खों ने। ये शून्य ही सच है शिव। तुम फिर आ गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या करूं, अपने दोस्त और आपके देवगुरु का भ्रम जो तोड़ना मुझे।
शिव मैं जानता हूं तुम्हें बहुत गुस्सा है। I'm sorry, मैंने बहुत ज्यादा भूल दिया, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दे। मैं साबित कर दूंगा अभी इसी वक्त कि ये कोई देवी नहीं बल्कि सिर्फ तेरा भ्रम है। दीपक, अभी के अभी इन्हें यहां से बाहर फेंको। रहने दो भाभी, शिव हकीकत की जमीन पर आ और इनसे मिल। ये पेंटर है तो जो बताएंगे कि इस तस्वीर की सच्चाई क्या है। इधर आओ, बताओ। देवगुरु प्रणाम। और क्षमा, ये तस्वीर हम बनाए हैं गंगा जी की घाट पे। एक साल पहले अपने माँ बाबू जी के साथ आई थी बिटिया, लेकिन कहाँ बताया आपको, पिछले हफ्ते जो तूफान आया उसमें हमारी सारी तस्वीरें उड़ गई। तुम्हें क्या लगता है तूफान उसी दिन क्यों आया? वो तस्वीर बहके मेरे ही सामने क्यों आए? तुम जिसे इत्तेफाक कह रहे हो ना संजय, वो भी देवी के ही इशारे पर हुआ है। क्या हो गया तुझे? तुझे समझ, ये कोई देवी नहीं है बल्कि एक साधारण लड़की है। अंधविश्वास बंद करो, बंद करो, अंधविश्वास बंद करो। ये कोई देवी नहीं है शिव। बंद करो, अंधविश्वास बंद करो, बंद करो, अंधविश्वास बंद करो, बंद करो, बंद करो, अंधविश्वास बंद करो। लौट आओ, लौट आओ, 21वीं सदी लौट आओ। बंद करो, बंद करो। इन्हें माफ कर दीजिए देवी, ना समझ लोग हैं ये। आप ही ने सृष्टि को बनाया है, लेकिन ये आप ही के वजूद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब ये पर्दा हटेगा और ये आपका तेज देखेंगे, तब इनकी समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। शिव, क्या हो गया? हम गलती कर रहे हैं? अगर हम गलती कर रहे हैं तो तू और तेरे भक्त बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। तो कोई दिख रहा है कि नहीं? मेरे जख्मों पर इस तरह से नमक लगाओ कि सजा का आनंद मिले। ये क्या, जख्मों पर नमक? देवगुरु, आप अपने आप को ये क्या सजा दे रहे हैं और क्यों? मेरी साधना में कोई कमी है भावनी, इसीलिए देवी चली गई। आपकी साधना में कोई कमी नहीं है देवगुरु, बस आपके दोस्त दुश्मन बनकर आए थे और इसीलिए देवी हमें छोड़कर चली गई। मैंने कहा था ना आपसे देवगुरु, देवी आपसे ज्यादा देर दूर नहीं रह सकती। वो आ गई है, आइए मिलिए अपनी देवी से। जो मैं देख रहा हूं ये सच है या मेरी आंखें मुझे भ्रमित कर रही हैं? इतने क्रोध से निकल जाने के बाद आप मेरे लिए फिर से वापस आ सकती हैं? ये मेरा भ्रम नहीं है, ये मेरी देवी है। देवी है मेरी। देखा देवगुरु, देवी खुद आपके पास आई है। देवगुरु, अब आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि ये देवी है।
क्योंकि देवी के पिता खुद उन्हें यहाँ छोड़कर गए हैं। अंकल, वो आंटी हमें डरा रही हैं। देवगुरु, हम भला देवी को क्यों डराएंगे? और देवी को कौन डरा सकता है? शिव! क्या हुआ देवी? वो और दिन नहीं बैठ सकते। आप यहाँ नहीं बैठ सकती, आपको तो अंदर चलकर दर्शन देने हैं ना। अगर दरबार में बैठने का उनका मन नहीं है तो हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। और वैसे तुम इतनी अशांत, बेचैन और अधीर क्यों हो रही हो? मुझे पूरा यकीन था कि आप मुझे बचाने जरूर आएंगी। देवगुरु, ये क्या बोल रहे हैं आप? ये मेरी इकलौती बेटी इति है। जब ये पैदा हुई थी तो मैं खुद अपने हाथों से इसे अस्पताल से घर लेकर आया था। ये कोई देवी नहीं है, ये तो एक सिंपल से इंसान की सिंपल सी बेटी है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।